नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता, न्यूज में आपका सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग मौजूद है बोरीवली विधानसभा में और महायुति के उम्मीदवार संजय जी हमारे साथ है। संजय जी से जानना चाहेंगे, आज आखिरी दिन है प्रचार का और वो सोसाइटियों में जाकर प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का जनता का प्रसाद मिल रहा है उनसे जानते हैं। संजय जी, आपका हेडलाइन न्यूज में स्वागत है, क्या कहेंगे, किस तरह का प्रसाद मिल रहा है जनता का? बोरीवली की जनता देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। बोरीवली के जनता के दिलों में नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है, कमल है और उसके लिए जबरदस्त प्रतिसाद बोरीवली के लोग मुझे दे रहे हैं। 35 सालों का रिकॉर्ड है कि बोरीवली विधानसभा से कोई जीत के नहीं आया है सिवाय बीजेपी के, तो इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन थी उसको तोड़ करके आप आगे जाने वाले हैं? ये बोरीवली की जनता ने संकल्प लिया है, एक जन आंदोलन चल रहा है रिकॉर्ड मतदान का और इसलिए मुझको लगता है कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जीत ये बोरीवली की होगी। एक मुद्दा चल रहा है मराठी वर्सेस उत्तर भारतीय वाला, नया मुद्दा क्रिएट किया है यहाँ के अपोजिट पार्टी ने, उस पर आपकी क्या राय रहेगी? 1946 से मेरा परिवार मुंबई में रहता है और मैं किसी भी वाद में जाना नहीं चाहता। मैं हर भाषा को प्रेम करता हूँ और जिनको तकलीफ है वो मंच पर मेरे साथ मराठी में चर्चा कर ले तो उत्तर स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। जो एक उद्घोष चल रहा है कोई नहीं टक्कर में, क्या वो सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है? जो उम्मीदवार हैं वो भी डमी थे, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में। ये बोरीवली की जनता बहुत समझदार है, ठीक है। जब टक्कर वाले रहते थे तब भी उन्होंने उसको पटक दिया था, अब तो टक्कर वाले है भी नहीं, तो एक तरफा जीत होगी ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है। तो 20 तारीख को जब बोरीवली की जनता जाएगी वोट करने के लिए तो उनको किस तरह का मैसेज देंगे आपने? जैसा कि गुरुजी ने कहा कि सुबह उठकर माँ भारती के चरणों में पहला कमल का पुष्प अर्पित कर देना और अपना कर्तव्य पूरा करना और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल देना, उस जिम्मेदारी का स्वीकार करने की तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं। हमने उपाध्याय जी से बात की, उनका कहना है कि इस बार जो लीड थी बोरीवली विधानसभा में उसको तोड़ करके भी वो आगे जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ राम कुमार गुप्ता, न्यूज नेशन, मुंबई। सर, गिरिराज धरण की जय। आशीर्वाद मिले तब ले लेना चाहिए, हमेशा 24 का लक्ष्य।